हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने भी धरपकड़ तेज कर दी है। इस पूरे प्रकरण में पहले प्रशासन ने मुस्लिमों के घर गिराए और अब इस हिंसा के मास्टरमाइंड को पकड़ने की कवायद में भी पुलिस जुट गई है। इस पूरे हिंसा के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हिंदुत्व का नारा देने वाले बिट्टू बजरंगी का नाम सामने आया था और अब पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को उठा लिया है। हरियाणा के नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को मंगलवार को मेवात CIA पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिट्टू बजरंगी वही है जिसके एक वीडियो से हिंसा फैलने की बात कही जा रही थी। गौर रक्षक बजरंग दल की फरीदाबाद यूनिट के प्रमुख बजरंगी पर ब्रज मंडल यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस सिलसिले में नूह पुलिस की CIA यूनिट ने उसे मंगलवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी की CCTV फुटेज भी अब सामने आ गई है। अब इस मामले में उससे पुलिस की पूछताछ जारी है। दरअसल नूह में बीते दिनों निकली ब्रज मंडल शोभा यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए थे। इस भड़काऊ पोस्ट के चलते इस हिंसा के होने के दावों के बीच नूह के थाना सदर में उसके खिलाफ IPC की धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59 के तहत FIR दर्ज की गई थी। बिट्टू बजरंगी का वीडियो सामने आने के बाद लगातार हिंसा में साजिश के दावे किए जा रहे थे। मोनू मानेसर की तरह ही बिट्टू बजरंगी ने एक TV चैनल को अपनी सफाई में एक इंटरव्यू भी दिया था। खैर, उसने इस इंटरव्यू में हथियार निकालने की बात को स्वीकारा था। बिट्टू ने कहा था कि हमने वहां शांति से जलाभिषेक किया, हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे थे, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं था, जिसके हाथ में हथियार होगा वो लाइसेंसी ही होगा। जब पहाड़ियों से फायरिंग होने लगी तब हमारे लोगों ने हथियार निकाले, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हवाई फायरिंग की गई थी, ना कि किसी को मारा था। बिट्टू ने इस हिंसा के दौरान फायरिंग की बात को स्वीकार किया था। अब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये बिट्टू बजरंगी है कौन। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद का रहने वाला है। इसका असली नाम राजकुमार है। बिट्टू बजरंगी खुद को गौरक्षक बताता है और बजरंग दल से जुड़ा हुआ है और साथ ही हिंदू धर्म का रक्षक भी। भगवा रंग के कपड़े पहनने वाले इस बिट्टू के कई भड़काऊ भाषण आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। बिट्टू गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन का अध्यक्ष भी है। इस संगठन ने ब्रज मंडल यात्रा में आने की अपील वाले पोस्टर बांटे थे। वैसे ये पहला मामला नहीं है जिसमें बिट्टू बजरंगी पर केस हुआ हो। इससे पहले भी इसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज हैं।